हेलो बच्चों, आज अपने इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 3 की सामाजिक अध्ययन की कार्यपत्रक नंबर 10 और इसमें हम करेंगे पाठ 10 कजरी का मोहल्ला। चलिए शुरू करते हैं कार्यपत्रक को हल करना। मोहल्ला शब्द का मतलब है पास पड़ोस। हमारे आसपास अलग अलग राज्यों के लोग रहते हैं जिनका अपना रहन सहन, खान पान, भाषा और संस्कृति अलग अलग होती है। प्रश्न 1 का भाग देखिए। अपने पड़ोस में रहने वाले अपने मित्रों के नाम लिखिए। मेरे पड़ोस में जो मेरे मित्र रहते हैं उनके नाम है राहुल, सीमा, किशन और पूजा। प्रश्न का ख भाग देखिए। आपके मित्रों के घर में कौन कौन सी भाषाएं या बोलियां बोली जाती हैं, उन भाषाओं या बोलियों के नाम लिखिए। मेरे मित्रों के घर में हिंदी, भोजपुरी, पंजाबी और गुजराती बोली जाती है। प्रश्न का ग भाग देखिए। मोहल्ला शब्द से आप क्या समझते हैं? मोहल्ला मतलब होता है आस पड़ोस। प्रश्न 2 देखिए। नीचे दी गई खाने की चीज़ों को पहचान कर उनके नाम लिखिए। यहाँ पर चित्र दिए गए हैं, आपको इनको पहचान कर इनके नाम लिखना है। जैसे यह चित्र है लड्डू का, यह चित्र है मक्के की रोटी और साग का, और यह चित्र है डोसा और इडली का। आगे 3 चित्र और दिए गए हैं, यह चित्र है घेवर का, यह चित्र गुजिया का है और ये है रसगुल्ला। प्रश्न खा देखिए। आपके घर पर त्योहारों में बनने वाली खाने की चीज़ों के नाम लिखिए। यहाँ पर त्यौहार का नाम लिखा है और यहाँ पर उस त्यौहार पर कौन सी चीज़ें बनाई जाती हैं वह लिखा है। होली पर गुजिया बनाते हैं, छठ पूजा पर ठेकुआ बनाते हैं, ईद पर सेवैयाँ बनाते हैं, मकर संक्रांति के त्यौहार पर हम खिचड़ी बनाते हैं और क्रिसमस पर हम केक बनाते हैं। प्रश्न 3 देखिए। आपके मोहल्ले में सामूहिक रूप से उत्सव या त्यौहार कैसे मनाए जाते हैं? हमारे मोहल्ले में सब त्यौहार मिलकर मनाते हैं। होली, दिवाली, छठ पूजा, गणेश चतुर्थी में सभी मिलकर मज़ा करते हैं और खाते पीते हैं। प्रश्न नंबर 4 में क्रियाकलाप करना है। यहाँ पर आपको अपने मनपसंद कोई त्यौहार का चित्र बनाना है और उसमें रंग भरना है, या फिर आप क्या कर सकते हैं, उस त्यौहार से संबंधित कोई चित्र भी चिपका सकते हैं। मैंने यहाँ पर होली का चित्र बना दिया है और उसमें रंग भर दिया है। बच्चों, यहाँ पर हमारी ये कार्यपत्रक समाप्त होती है। अन्य विषयों की कार्यपत्रक के लिए हमारे चैनल पढ़ो इंडिया को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें।